आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि माइनक्राफ्ट के अंदर मेरा दिमाग कितना बड़ा है। तो पहली बात तो मैंने एक बो बना लिया है, इसमें किसी पे एक एरो टेस्ट किए मैंने अभी तक। एक वहां पे मारूंगा और उसको जाके उठा लेता हूँ। चलो तो ये उठा लिया मैंने एरो, मेरे एरो मुझे फिर से मिल गए। देखो बस तीन एरोज है, मैंने एक शूट किया और वहां पे फेंकी। मैं इसके पास जाऊंगा तो ये एरो मेरे पास फिर से आ जाएगी। तो चलो कुछ भी करते। तूफानी क्या करने वाला था मैं, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ याद आ गया, तो मैं आज बनाने वाला हूँ। नहीं मेरे पास बकेट हाँ है, तो सिर्फ अभी नीचे जाने की देरी। अरे उल्टा जा रहा हूँ यार मैं, सिर्फ अभी नीचे जाने की देरी है मेरी। फिर तो भाई काम हो गया हमारा। चलो अपने हाथ में एक्स रखता हूँ, पावरफुल चीज़। खाना मेरे पास इतना ज़्यादा नहीं है, लेदर का शूज और हेलमेट ले लिया टाइम पास के लिए। तो मैं अभी इसको थोड़ा मैं नीचे जाके वापस ऊपर आने वाला, एक तो नीचे मिलूंगा या फिर सीधा मेरे डॉग यहाँ पे, मैंने डॉग यहाँ पे ला के रखा था। तो एक तो मैं सीधा नीचे मिलूंगा या फिर वरना काम करते हैं, मैं लावा वावा लेके सीधा जहाँ पे हम जाने वाले वहाँ पे मैं बीच में का स्किप करने वाला हूँ। नीचे आ चुका हूँ और अभी सीन ऐसा हो गया कि मेरे को अपनी पिकैक्स ऊपर नीचे लानी पड़ेगी। तुम लोग अभी देख सकते हो यहाँ पे सब कुछ अभी ऑब्सीडियन हो चुका है, मैं तोड़ने के लिए लाना ही पड़ेगा। और यहाँ पे भी इधर तक ऑब्सीडियन हो चुका है। दो मिनट ये ऊपर, अबे यार मेरे को आयरन मिल गया फिर से। चलो उठा लो आयरन, उठा लो, क्या कर सकते हैं, उठाना तो पड़ेगा ना, जरूरी आयरन उठाना उसे। अरे यार पिंकैक्स की शक्ति कहते हैं, मैं स्टोन की पिंकैक्स ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि फ़ायदेमंद रहेगा आई थिंक। तो मुझे थोड़ी एक टॉर्च इधर भी लगा देता हूँ। वैसे बहुत सारे है इधर आयरन ओर्स, बहुत सारे हैं। ओके तो अब मैं थोड़ी ना आयरन की पिकैक्स से इसको तोड़ सकता हूँ, बहुत टाइम लगेगा या फिर ओए मैं कहाँ से जा रहा हूँ, एक तो बहुत टाइम लगेगा फिर कुछ और हो जाएगा। तो मैं फिर से ऊपर जाके अभी मेरी पिकैक्स लाने। ओह दो मिनट, यहाँ पे भी आयरन है। ओ यहाँ पे भी आयरन, मैंने चेकआउट ही नहीं किया। मैं हर बार ऐसे होते मेरे साथ, मैं अच्छी अच्छी चीज़ें चेकआउट करना ही भूल जाता हूँ यार। इतना अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं, मैं ऊपर जा रहा हूँ फिर से। अब मैं ये सब तोड़ने वाला हूँ, मतलब ऑब्सीडियन तोड़ के लेके जाने वाला हूँ। मुझे ऊपर नेदर पोर्टल बनाना है, फिर नेदर में जाना है। पर इस एपिसोड में नहीं यार, इस एपिसोड में तो तुम लोग को दिमाग देखना है ना। एक टूटा और थोड़ा सा तोड़ लेते हैं यार, कितना टाइम लगता है इसे तोड़ने में। ऐसा तो इसको एन्चेंट करना है मेरे को, इसलिए तो मैं इतना सब लेके जा रहा हूँ यार। आई थिंक सो इतना काफी रहेगा मेरे लिए लगभग, एक इंचेंटमेंट टेबल बनाने के लिए। इंचेंटमेंट टेबल बनाने के बाद तो सब सिंपल हो जाएगा मेरा। चल टूट जा, आई थिंक सो इंचेंटमेंट टेबल बनाने के लिए ज़्यादा नहीं लगेगा। और यार ऐसा कितना टाइम लगता है इसे टूटने में, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इसको उठा के लेके जाऊँ। ये भी तोड़ लेते हैं, कितने हो गए मेरे पास, आई थिंक सो 6 या 7, तो नहीं 5 तो हो ही जाएगा, 5 हो गए मेरे पास यार। करेक्ट था, मैं 5 हो गया और ऊपर आराम से इंचेंटमेंट टेबल बना सकते हैं। तो मैं फिर से स्किप कर रहा हूँ, मिलेंगे इंचेंटमेंट टेबल बनाने के। तो भाई मैं अभी ऊपर वापस आ चुका हूँ, तो चलो भाई अभी इंचेंटमेंट टेबल बनाते हैं। इंचेंटमेंट टेबल के लिए मेरे को लगे डायमंड्स, ऑफकोर्स मेरे को मेरे डायमंड्स को यूज करना ही पड़ेगा। अब इंचेंटमेंट टेबल आई थिंक सो मैं अभी भी नहीं बना सकता, मेरे को स्टोन लगेगा इंचेंटमेंट टेबल के लिए। नहीं स्टोन मेरे पास तो पड़ा हुआ है ना, क्या लगता है और इंचेंटमेंट टेबल के लिए एक बार चेकआउट करके देखते हैं। एक बार चेकआउट करके देख। तो दोस्तों मैं नीचे से ऊपर आ चुका और मैंने क्राफ्टिंग करने में बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया। देखो भाई मेरे हाथ में, देखो यार वो इंचेंटमेंट टेबल और मेरी पहली इंचेंटमेंट होने वाली है इस गेम में। और भाई मेरे कम से कम इस गेम के 6 एपिसोड हो चुके हैं और मेरे पास इंचेंटमेंट टेबल भी आ चुका है। तो अब मैं वो लेके आने वाला हूँ, वो लैजिमी लूजा जो भी है वो यार, वो लेके आने वाला हूँ मैं। और क्या बोलते हैं उसे अपना, ये सब नहीं चाहिए। ओह दो मिनट में ब्लू बेड बना सकता हूँ क्या, तो मेरे को ब्लू बेड बनाना यार, तो मेरे को ब्लू बेड चाहिए था। तो ब्लू बेड की बात छोड़ दो अब तुम लोग, अब मैं इंचेंट करने जा रहा हूँ मेरी पहली चीज़।
चलो इंचेंट करते हैं। चलो यार ये सब इधर रख दो। और मेरी एक्स कहाँ पे गई? एक्स, दो मिनट, मैंने एक आयन की एक्स बनाई थी, मुझे याद है, अभी अभी बनाई थी मैंने। अरे अभी अभी तो बनाई थी मैंने। हाँ ये रही, ये रही। यार मैं कितना भूला करूँ, पहले तो नहीं, पहले तो आराम से सो जाते हैं, सुबह उठेंगे यार फिर तुम लोग को दिखाऊंगा मैं। चलो अच्छे से नींद आई मेरे को अब। गुड मॉर्निंग दोस्तों वैसे तुम लोग को। तो चलो ये रख दिया यहाँ पे, ये रख दिया यहाँ पे। तो मैं इसका क्या बना सकता हूँ? इफेक्शन वन, अनब्रेकिंग वन और अनब्रेकिंग वन है। तो इफेक्शन मेरे को वन ठीक नहीं लग रहा है, तो मैंने इसको अनब्रेकिंग वन दे दिया। और हमारी पिकैक्स रेडी। अब मैं इसको नहीं, पहले तो डायमंड पिकैक्स को देता हूँ खुद से भी। तो डायमंड पिकैक्स क्या है? इफेक्शन वन, अनब्रेकिंग वन, अनब्रेकिंग वन, ये सब लोग को पता है। मेरे इस वाले पिकैक्स को भी कुछ इफेक्शन, इफेक्शन टू, यार इफेक्शन टू। स्वॉर्ड को आई थिंक मुझे दे देना चाहिए था पहले ही। अब क्या है स्वॉर्ड को? नॉक बैक वन, शार्पनेस वन। नॉक बैक मैंने चेक नहीं किया, नॉक बैक ठीक रहेगा। तो भाई मैंने बहुत अभी इंचेंटमेंट कर ली मेरे वेपन्स को, आई थिंक सो मैंने लगभग बहुत इंचेंटमेंट कर लिया यार, बहुत खुशी हो रही। अच्छा एक चेकआउट करके देखते हैं, क्या हम स्टोन के वेपन्स को इंचेंट कर सकते हैं? मुझे लगता तो नहीं कर सकते। वो कर सकते ये, मतलब सीरियसली मैं अपने बो को इंचेंट करने जा रहा हूँ। पहले तो स्टोन की वेपन्स कर सकते, मुझे नहीं पता था, पर सीरियसली मैं मेरे बो को इंचेंट करने जा रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं पता, पावर वन, पावर वन, ये भी पावर वन था। तो मैं अपने बो को भी इंचेंट कर लिया। अब हम लोग बन चुके हैं माइनक्राफ्ट के प्रो। प्रो नहीं है पर भाई तुम लोग अभी मेरे बात पे यकीन नहीं करोगे, पर यार क्या बोलूँ यार तुम लोग को, यार मैं इतना खुश हूँ ना यार, आज क्या बताओ यार तुम लोग को यार, मैं पहला इंचेंटमेंट किया मेरा माइनक्राफ्ट में, मैं बहुत खुश हूँ। तो एक काम करते हैं, और डॉगी नीचे क्या कर रहा है? अच्छा और कुछ कर सकते हैं क्या हम लोग? इंचेंट वगैरह, इंचेंटमेंट बुक तो बना सकता हूँ मैं। अच्छा बना के देखे क्या इंचेंटमेंट बुक? चलो बना के देखते हैं इंचेंटमेंट बुक। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी है, पर यार तुम लोग के लिए यार मेरे को इतना सब करना पड़ रहा है अभी। तुम लोग करना पड़ रहा नहीं यार, तुम लोग मेरे भाई हो। चलो बुक इंचेंट करते थोड़ी सी। बुक इंचेंट क्या? फेदर फॉलिंग वन, स्वीपिंग एज वन और शार्पनेस वन। मैं फेदर फॉलिंग वन कर दे रहा हूँ भाई, काम हो रहा है हमारा। बस ये बहुत सारे पड़े हुए, तो मैं सारे बुक को इंचेंट नहीं करना चाहता यहाँ पे, पर मैं कुछ इंचेंट जरूर करूंगा। ये क्या है? शार्पनेस वन मुझे कर लेना चाहिए इंचेंट। ये बुक्स मैं रख रहा हूँ यहाँ पे, ये कुछ मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। तो एक काम करते हैं, पहले स्पाइडरमैन की शक्ति यूज करके यहाँ से चलते हैं, मतलब चलते हैं। ये वीडियो मेरी सबसे लंबी वीडियो थी आज तक की, सबसे लंबी वीडियो थी ये मेरी। आई होप कि भाई तुम लोग को मेरी ये वीडियो बहुत, अब ये वाली मेरे को नहीं चाहिए मेरे हाथ में, मेरे हाथ में चाहिए मेरी इंचेंटमेंट वाली, क्योंकि मेरे को ये इंचेंटमेंट वाली बहुत अच्छी लगती है यार। तो मैं काम करता हूँ, पहले ऊपर चढ़ता हूँ। ऊपर चढ़ो, ऊपर चढ़ो, ऊपर ऊपर ऊपर। तो भाई मैं दरअसल मैंने देखो, मैं आपको एक बात बता चाहूंगा, अभी हमारे सिर्फ माइनक्राफ्ट के 7 या 8 पार्ट्स हो चुके हैं, और मैंने पूरी इंचेंटमेंट मतलब अपने हथियार को इंचेंट भी करना शुरू कर दिया। देखो ये मेरा हथियार है, इसको मैंने इंचेंट भी कर दिया यार। तुम लोग के लिए यार ये सब किया। तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो यार, इस वीडियो को लाइक करो यार, इस पर कमेंट करो। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको मेरे इंचेंटमेंट का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ नीचे कमेंट करो हैशटैग नाइस या फिर हैशटैग बेस्ट, आपको ज़्यादा अच्छा लगा है। और भाई इस वीडियो को दूसरों को बांटो यानी शेयर करो, मतलब मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए, क्योंकि मैं बहुत कम सब्सक्राइबर्स है, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। आपको सपोर्ट मिला ना, हम यूट्यूब पे पूरा तहलका मचा देंगे। मैं और गेम्स लाने का ट्राई कर रहा हूँ, तो हम देखिए। मैं मिलूंगा आपको, तब तक के लिए बाय।